आज इस वीडियो में मैंने पुराने पति या पत्नी या पुराने प्रेमी या प्रेमिका से मुक्ति पाने के एक सरल लेकिन अत्यंत सटीक मंत्र उपाय के बारे में बताया है। जो अपने पुराने पति या पत्नी के विचार अपने मन में से निकाल नहीं पा रहे हैं या जिनके पुराने पति या पत्नी या प्रेमी या प्रेमिका उन्हें तकलीफ दे रहे हैं या कुछ फोटोग्राफ्स, MMS, खत इत्यादि सबूतों के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए यह सरल मंत्र उपाय बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इस उपाय में एक सरल 4 शब्दों के मंत्र और हनुमान जी के मूल मंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इस उपाय को किसी भी दिन किया जा सकता है। साधक को शांत चित्त से बैठकर इस वीडियो में बताए हुए पहले मंत्र का 108 बार जाप करना है और फिर उसके बाद हनुमान जी के मूल मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र का जाप करने के लिए साधक ने सोचना है कि इस मंत्र के जाप से पुराने पति या पत्नी या प्रेमी या प्रेमिका के सर्व विचार उसके मन में से निकल गए हैं और अब वह उस व्यक्ति से मुक्त हो गया है। अब मैं आपको पहला मंत्र बता रही हूँ। इस मंत्र को 108 बार बोलना है। मंत्र: विवाशय विवाशय हूँ फट, विवाशय विवाशय हूँ फट, विवाशय विवाशय हूँ फट। अब मैं आपको दूसरा मंत्र बता रही हूँ। इस मंत्र को भी 108 बार बोलना है। मंत्र: ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। प्रभु सबका कल्याण करेंगे,